की बड़ी खबर बिहार के सहरसा से सामने आ रही है, जहां गोलीबारी की घटना में सहरसा, माधेपुरा और खगड़िया जिले के कुख्यात अपराधी रामानंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये घटना उस समय घटी जब कुख्यात रामानंद यादव अपने खेत से गेहूं कटवाकर अकेले ही घर वापस आ रहा था, जहां पहले से घात लगाए नक्सली मनोज सादा के लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और गोलीबारी की इस घटना में रामानंद यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि इस इलाके में नक्सली अपनी धाक जमाना चाहते हैं, जिसकी वजह से कई बार दियारा इलाके में रामानंद यादव और साथ ही नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो चुकी थी, जिसमें नक्सलियों को भागना पड़ा था। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को अपने कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम कराया, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। अगर पुलिस की माने तो इस घटना को 8 अप्रैल को शाम को 6 बजे अंजाम दिया गया था। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। अब इस घटना के बाद रामानंद यादव गिरोह के लोग भी सक्रिय होंगे और कोई बड़ी घटना को भी अंजाम दे सकते हैं, ऐसे लोग आशंका जता रहे हैं। न्यूज डेस्क।